Vikram Bhushan, Dr. Anil Joshi ji has been working for raising awareness and changes in the public policy on the environmental issue for the last 30 years. The founder of Himalayan Environmental Studies and Conservation, a voluntary organization that has joined us from outside India, it's a matter of great honor and pride for us. We welcome you, sir. Namaskar. आप शायद हमें सुन पा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपके पास बहुत कम समय था लेकिन आपने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है. We are really grateful to you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए आज. देखिए, मैं आप सबके बीच में एक बात का और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम सिटिंग विद द साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, कि वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस नाउ. बस द ह्यूमन ने जब साइंस डेवलप की, साइंस इज अ नॉलेज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस नॉलेज इनटू एक्शन इज अ टेक्नोलॉजी. एंड टुडे वी आर गैदरिंग हियर for sustainability. Sustainability, the word that we have been repeatedly using for the last many decades. And the reason is that 1972, the Stockholm guys decided there has to be something sustainable goal in the world so that what we consume, we contribute also. But unfortunately, never happened that. The reason is that technology and science ko hi sabse bada aaj ki tarikh mein kahin dosi bhi samjha jana chahiye. Wo isliye कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ग्रीड के लिए ज्यादा यूज किया. हम कुछ चीजें भूल गए कि जो ये एक्शन हमने ये सोचा कि जो साइंस का नॉलेज है, दिस एक्शन फॉर वेल बीइंग के कुछ और भी मतलब निकल के आने थे जिसको कि कभी हमने समझा नहीं. पहली बात तो ये है कि रिसर्च की रेलेवेंस आज इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि जिसके सवाल आप सबके दिमाग में भी होंगे. वो इसलिए भी होंगे कि आप देखिए कि जब अर्थ बनी होगी 3.86 बिलियन ईयर्स अगो, तो अर्थ ने ह्यूमन को अल्टीमेटली पैदा किया. अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं. 100 मिलियन ईयर्स इक्वलेंट टू 1 ईयर मान लिया जाए, तो आपको 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी. पहली लाइफ 3.86 बिलियन ईयर पहले आई. अगर 4.6 बिलियन इक्वलेंट टू 46 ईयर, तो मदर अर्थ 46 साल की एक मिडिल एज विमन है. और इस मिडिल एज विमन ने जन्म जो दिया है वो बहुत लेट में दिया, और वो लाइफ जब आई वो 3.86 बिलियन साल पहले आई. और आप तो विद्वान लोग हैं, आपको पता है कि लाइफ कैसे आई है. समुद्र से चलते हुए, तटों से होते हुए, और आज हम जहां पहुंच गए वो उस ह्यूमन की थी. और एक 100 मिलियन ईयर अगो, अगर आप ये मान के चले कि एक साल बराबर 100 मिलियन ईयर अगो, तो पता है आपको कि मनुष्य का जन्म कब हुआ? मात्र 4 घंटे पहले हम इस पृथ्वी पर आए. और इन 4 घंटों में 45 मिनट पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और जो तमाम तरह के डेवलपमेंट हमारे चारों तरफ है 45 मिनट्स अगो, ओनली मेयरली. और इस 45 मिनट्स में ही हमने इस दुनिया को बर्बादी की तरफ ले गए. व्हाट वाज द रीजन? क्यों, क्या हुआ? ऐसा हुआ ऐसा कि हमने टेक्नोलॉजी, साइंस के नॉलेज को हमने अपने लिए उपयोग में लाने की कोशिश की. वी डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ नेचर, द मदर अर्थ. मदर ऑलमोस्ट गॉन, दैट वुड हैव बीन नॉट एट ऑल द नोशन टुडे. कि अगर हम कहीं मदर अर्थ शब्द का प्रयोग करने के हम हकदार ही नहीं रहे, क्योंकि एक मदर के साथ जो कुछ भी हमने व्यवहार किया वो कितना घातक है, वो आप सब मैं आज दुनिया में देख रहे हैं. आपके सामने तमाम रिपोर्ट पड़ी है. और कितनी अजीब सी बात है कि साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी इररेलेवेंट इतनी हो गई है कि मंगल में जाना चाहते हैं, मार्स में जाना चाहते हैं, मून में जाना चाहते हैं, पर आज तक अपनी अर्थ को नहीं समझ पाए. वी डू नॉट नो द साइंस ऑफ नेचर, अनफॉर्चुनेटली.
और यही कारण है कि अगर हम साइंस ऑफ नेचर को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते नेचर की, तो शायद आज कहीं पिक्चर कुछ और होती और हमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब आप कुछ चीजों के आंकड़े समझ लीजिए। पहली बात, यू मस्ट हैव हर्ड व्हिच वी रिपीटेडली हैव बीन सेइंग एज अ साइंटिस्ट एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नाउ व्हाट इज दैट मदर ऑफ इन्वेंशन, दैट नेसेसिटी दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। नाउ लुक एट दिस इंटरवेंशन दैट वी बिगिन टू डू, begin to do the damage which is irreparable. Let me tell you a report, international report says jitna damage aaj hum kar chuke hain duniya mein, hardly 5% hab recovery possible hai. 5% se zyada wapsi mushkil ho gayi hai hamari. But look at, this is the month of April, we are beginning tomorrow, and the western disturbances are coming now, which was supposed to be sometime in January, that western disturbance is coming now. And rains are falling, and the threat that we have, the wheat crop will be totally damaged. And the whole country, and the, I mean, it's not the story of this country only. Whole world is currently passing through ecological stresses, which we fail to even imagine. And that technology and science that we have been doing अपनी आवश्यकताओं के लिए, लुक एट होल थिंग, कितनी अजीब बात हो गई है। वी इन्वेंटेड ए व्हीकल, हमने एक अपने यातायात की सुविधाओं का शुरुआत की, और उस यातायात की शुरुआत के लिए हमने गाड़ी बनाई, और गाड़ियों के बाद गाड़ियां बनाई। हम उन चार पहियों से हमारा पेट नहीं भरा, तो आपके पास कैडिलॉक हो, ओडी हो, ऑडी हो, या तमाम तरह की, और शौक इतने हो चुके कि हमने हम हर चीज को नेसेसिटी मानने लगे। अब आप देखिए, आप और मैं कैसे हो गए हैं, कमरे के अंदर अगर हम एडिशनल एयर कंडीशन चलाते हैं, बैडली चलाते हैं, तो अब आप देखिए कमरे का एनवायरनमेंट अगर आपने चेंज कर दिया, तो अब दुनिया का अगर एनवायरनमेंट बदल रहा हो आपके कमरे के बाहर, तो इसका दोषी कौन है? सवाल यह पैदा होता है कि आज इतनी गर्मी पड़ने का कारण क्या? जितनी पड़ेगी उतने एसी बिकेंगे, और चीजें मिक्स हो गई, इतनी मिक्स हो गई, गर्मी बढ़ी तो ज्यादा एसी बिकेंगे, और हालात इतने गंभीर हो चुके कि आज लोअर मिडिल क्लास नाउ इन मुंबई एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये उसको भी अब ये चाहिए। टेक्नोलॉजी का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल रहा है, क्योंकि हमने कभी भी साइंस को इस बात के लिए उपयोग में लाने की कोशिश नहीं की, नॉलेज को, कि हम नेचर को समझते हुए कंप्रोमाइज करते, अपने सीमाएं तय करते, और ये मान के चलते कि पृथ्वी हमारे लिए भोगने की चीज नहीं है। एंड वुड हैव अंडरस्टूड द साइंस, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, द कंज्यूमर मस्ट बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर। What do you think we have contributed as a human? Now look at, we are not the only life on the earth. So many wildlife, so many forests cover, and so many the invisible bacteria, virus, they form the lives on the earth. What do you think, except the human, who has not contributed? The birds, the leopard, the wild boar, the deer, every life contributed towards building a nature except the human. Human has been one species, unfortunately, when it came 2 million years ago, which we call, you know, Homo habilis came, then the first begin to technology knowledge, you know, that begin with that stone age, the erectus came, and ultimately Homo sapiens came. होमियो सेपियंस के आते आते नॉलेज टेक्नोलॉजी अपने हित में इतनी हो गई कि उन्होंने दूसरों के जीवन को बर्बाद कर दिया। सारी वाइल्ड लाइफ, आप जानते हैं कि 1 मिलियन स्पीसीज वर्ल्ड में थ्रेट में जा चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि ह्यूमन ने साइंस को साइंस सेंट्रिक, अपने ह्यूमन सेंट्रिक किया। हैव वी एवर थॉट अबाउट दिस साइंस
Now let me explain you. One is the science that the human has developed for himself. It was exclusively, we made an aeroplane, we made a rail, digital world that we have. You must be knowing the story of the three revolutions that took place in the world. Ever since the coal was searched by the Britishers and East India Company came in India, 1836, it was the first committee they formed called the Coal Committee. Coal Committee ne India mein explore kiya ki kitna koila hai. James Watt ka tab tak engine aa gaya. Usne transport kiya aur Britishers became first the beginner of the Industrial Revolution. The second, and then we begin to work on handicraft to machine craft. Kyunki energy aa gayi thi koile ke naam pe. Koila, uske baad aap jante hi hain. फिर आपका जितने भी रिवोल्यूशन आए एग्रीकल्चर में आया, विच इज नो मोर एन एग्रीकल्चर, इट इज अ कॉमर्स, एग्री कॉमर्स. यू कैनॉट कॉल इट इज एन एनी मोर. एग्रीकल्चर इज अ वेरी वेरी लोकल. इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन वाटर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन सॉयल, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन केमिकल्स, आई मीन सीड्स एंड एवरीथिंग. बट द कॉमर्स हैज सेवरल इनपुट एंड इट ऑल डन बाय द ह्यूमन. नाउ लुक एट that whatever we did, 1, 2, 3 revolution that we came with, and today digital world we are living with. But let me tell you, all three biggest revolution that came on the earth, jo bhi aaye, teen bade revolution ke piche only one source was there, and that was the coal. Aur ye coal hi tha जो आज आपके मेरे गले की आफत बन गया. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दिस केम फ्रॉम वेयर? इट वाज इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स एंड द डिफरेंट थिंग दे वांटेड टू मेक श्योर दैट हिज लाइफ बिकम वेरी लग्जूरियस. नाउ लुक, दैट रिवोल्यूशन बिकेम समथिंग विच अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल एनी मोर to do, to meet that mitigation, we will not be able to do so now. Now, the thing is, how, on another hand, it was a nature science. Look at the nature science. Mother Earth began, it was a fireball. Then it cooled down, the first light came, the first a life came called Luca, last universal common ancestor, which came, begin with the bottom of the sea, proton and the protein, amino acid, your order, aap sabhi vidwan log hain, aap samajh rahe honge. And then the first life came, fir from ocean to, we have land species, and then whole story begin to do. Now look at, this was the science of nature. Nature ne dheere 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 karke sari tarah ki diversity paida ki. Aur management kitna acha tha, dekhiye. Ek taraf samudra banaya. Ye science thi nature ki. Knowledge tha nature ka, technique thi. Aur ek taraf glacier banaye. Barish padi, samudra se chali, upar glacier ban gaye Himalaya mein, Antarctica mein, aur Arctic mein. और वो 70% ह्यूमन वाटर नीड्स का साधन बने. ये है साइंस, इसे कहते हैं नॉलेज, टेक्नोलॉजी विच द नेचर हैड गिवन. और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी पानी का कैसे था, जहां राजस्थान में टांके बने, हिमालय में स्प्रिंग्स बने, कहीं तालाब बनाए, दैट वाज ऑल साइंस ऑफ नेचर. एंड अनफॉर्चुनेटली वी नेवर ट्राइड टू लर्न फ्रॉम दैम. I was a couple of days in the G20 meeting and I discussed that the time has come when we really need to do study and work on science of nature. I was in Faridabad where I was doing a cycle march. All of you must be knowing it. Mujhe bada aashcharya hua. Then beggar guy, there was a rag picker was buying a water there. I was shocked कि उसे पानी खरीदना पड़ा था. पानी क्योंकि हमने बेचना शुरू कर दिया. अब आप नेचर को बेचोगे तो आपको श्राप तो लगना ही लगना है, ये तो तय है. आपने मिट्टी बेच दी, अब केमिकल फर्टिलाइजर आ गए. वी आर द लार्जेस्ट
कंज्यूमर ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर. आप जो लोकल बीज होते थे अब हाइब्रिड आ गए. पानी पहले खेती बैलों से होती थी तो अब ट्रैक्टर आ गए और हम ऊपर तुर्रा ये मारते हैं. इट्स ए नॉलेज, इट्स ए टेक्नोलॉजी. तो झेलिए अब इसके बाद, क्योंकि आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट का खुलासा कर देता हूं आपको. अनदर डेकेड और टू डेकेड्स फ्रॉम नाउ रिपीटेड स्टॉर्म्स विल कम, टोटल डिस्टर्बेंसेस इन मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विल अकर, and flood will repeat many times in the year, and there will be 8 months will remain warmer, and unpredicted things will happen which we have never thought of. Aur bhai, COVID corona ne to udaharan de diya hai ki where from the COVID and corona came. Do you think it came from the another universe? It came from some of the country of this land mass only. और एरोप्लेन ना बना होता तो यहां से वहां नहीं जाता, वहां से वहां नहीं जाता, सारी दुनिया में फैल गया. कोविड ने तो कम से कम सिखाया है ना हमें कि हमारी टेक्नोलॉजी साइंस का कितना बड़ा असर है. लेकिन इन सब के बीच में भी मेरा मानना यह है कि शायद हमारे लिए एक बड़ी समय आ चुका है कि हमको अब साइंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल फिनोमिनन की दृष्टि से देखना पड़ेगा. क्योंकि हम ये कैसे मान के चल सकते हैं कि हम सरलता से जी लेंगे, जो मर्जी चाहेगी कर लेंगे. हमने शहर और गांव में अंतर कर दिया, शहर फटने की स्थिति में आ गए, इतनी भीड़ हो चुकी, और गांव खाली होते चले गए. अब खेती कौन करेगा? और खेती भी तब करेंगे ना जब पानी होगा. फार्म फूड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है, मैं कहता हूं फार्मर्स इनसिक्योरिटी की बात होनी चाहिए. क्योंकि अब उनको ना पानी मिलता है, ना खाद मिलते हैं, और ना बीज मिलता है. ये सब आप जानते हैं, और ये सिर्फ इसलिए जानते हैं आप, लेकिन आप और मैं भी अभी वही हैं और उससे बाहर नहीं निकले. ए ऑनेस्ट साइंटिस्ट, ए टेक्नोलॉजिस्ट रियली नीड टू अंडरस्टैंड नाउ इफ हिज और हर रिसर्च इज नॉट रेलेवेंट. I think it's of no use. Merely publishing this is an international journal won't help us much. A Nature, a paper published in a Nature will not do much to the Nature. What you have to do, you have to make your own Nature do a research to help the Nature. This is I would like to comment upon, and I would end up by saying that please understand. Please understand that the life from the earth have desiccated 2 times. आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि अगर आप चले जाएंगे तो दुनिया चली जाएगी? किसी गलत फहमी में ना रहें. 25 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया खत्म हो चुकी, और दूसरी बार 6.5 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया खत्म हो चुकी. इन दोनों के बीच में 25.25 करोड़ साल पहले और 6.5 करोड़ साल के बीच में डायनासोर आए थे. कितने बड़े विशाल थे डायनासोर. जब वो नहीं बचे तो आप और मैं क्या चीज है? डायनासोर को नेचर ने साफ कर दिया था. जानते हैं क्यों किया था? द फिलोसफी ऑफ साइंस सेज, क्योंकि वो इतनी ज्यादा संख्या में हो गए थे कि अर्थ उनको बियर नहीं कर पाई, उनके फूड को बियर नहीं कर पाई, और दे हैव बीन टर्मिनेटेड बाय द अर्थ. व्हाट डू यू थिंक विल डू नेचर विद ह्यूमन इफ वी विल नॉट मेक ए लिमिट, वी विल नॉट डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो फॉरगेट अबाउट टुमारो इफ नन ऑफ अस विल बी सर्वाइविंग और अवर कमिंग जनरेशन, वी विल नॉट बी शॉक्ड एट ऑल. हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम में से कोई नहीं बचता. लेकिन मदर अर्थ ग्रेट है, जीवन फिर वापिस आएगा, और ठीक उसी तरह आएगा जब 3.86 बिलियन ईयर पहले समुद्र के तल से प्रोटोन प्रोटीन अमीनो एसिड्स फिर निकलेंगे. जब तक समुद्र रहेगा जीवन रहेगा.
आप और मैं हो ना हो, तो आपको मुझे अब अपनी चिंता करनी चाहिए कि हमने जो हालात आज चारों तरफ पैदा कर दी हैं, मौसम का पता नहीं है, प्राण वायु संकट में चली गई है, जहरीली मिट्टी कर दी गई है, तो अब आपको क्या आशा करते हैं कि इस भगवान के लिए घंटी बजाना चाहते हैं आप, जो मंदिरों में जाके प्रार्थना करते हैं ये दे दो वो दे दो, प्रार्थना कर लो, प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, क्षमा करें, हमने अपने अपने घरों में भगवान को कैद कर रखा है, और एक हनुमान जी की पूजा विष्णु जी की पूजा कर लेते हैं, लेकिन वही विष्णु जो समुद्र के तलहटी में बैठे हैं वहां पे 8 मिलियन टन प्लास्टिक डाल देते हैं विष्णु भगवान के सर पे, तो आप सोचिए हिमालय जहां भगवान शंकर बैठे हैं वहां पे कचरा करना चलते हैं और टेम्परेचर इतना कर देते हैं, पिघल पिघल के बर्फ अब समुद्र में आ रही है ताकि समुद्र के चारों तरफ के लोग भी डूब जाएं, पवन पुत्र हनुमान प्राण वायु भी ले ली, तो आप भगवान को घरों में कैद करके प्रार्थना करके नहीं बदलाव आएगा, प्रभु के माध्यम से प्रकृति को समझिए। और मैं फिर आखिरी में कह रहा हूं, ये अभी आप और मैं और सरकारें भी और विश्व भी जीडीपी 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 का ये जो नारा लग रखा है, जरा इस पर ढक्कन लगाएं, आप सोचें जीपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीडीपी क्यों चाहिए थी, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए देश की, सब कुछ आ जाए, ये आए सो आए, वो तो आ गया, जहान आ गया, पर जान संकट में पड़ गई, और जान है जीपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कितने जंगल बढ़ाए इस साल, कितना पानी बरसा का पड़ा उसको बहने से रोक दिया, कितनी प्राण वायु ठीक की और कितनी मिट्टी ऑर्गेनिक की, ये हमारा नारा है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, इसका भी एक इंडिकेटर होना चाहिए ताकि हम जीडीपी के साथ सुखी रहें, जहान बनाएं और जान बचाने के लिए जीपी पर काम करें। सच ये है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं तो इसी प्रार्थना के साथ आपके बीच में आया हूं कि आप लोग अब इस विषय पे काम करें, जिन विषयों को मैं कह रहा हूं, साइंस ऑफ नेचर को, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट को, आपके आपकी यूनिवर्सिटी और इसके चारों तरफ कितने जंगल, कौन से जंगल, कितना पानी, कैसा पानी, कैसी हवा, इससे जुड़े हुए सवालों का उत्तर ढूंढिए, उस पर काम करिए। तो सत्य तो ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी हमारा आज का नारा है उसके लिए हम कुछ खड़े उतर पाएंगे, वरना ये भी एक औपचारिकता की तरह निपट जाएगा। आप सबका बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम सॉरी आई वुड हैव बीन बिटर ए लिटिल बिटर, लेकिन मैं थक भी गया हूँ यात्रा करते हुए भी, बोलते हुए भी, झगड़ते हुए भी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, यू वेरी राइटली एंड एप्टली सेड कि जो व्यवहार हमने अपनी माँ के साथ करना चाहिए वैसा हमने अपनी मदर अर्थ के साथ नहीं किया। कहते हैं कि प्रकृति को खुद को हील करने की ताकत होती है, लेकिन जिस स्थिति में हमने इस ग्रह पृथ्वी को पहुंचा दिया है, अगर हम अब नहीं संभले तो फिर कब। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, सब लोगों को प्रणाम। अब सब लोगों को मेरी बात समझ में आई तो हाथ उठा दें, मैं समझूंगा कि सबने सुन लिया है। Thank you very much for this ovation. Please give him a standing ovation. Thank you. Pranam. Pranam aap sabko. Thank you. Thank you.